हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, पार्श्वनाथ का ये मधुबन है, ठीक ना। यहीं से आपको एंटर लेना है, जब उधर से आएंगे या फिर इधर से, तो यहीं पे आपको एंटर लेना है, ठीक ना। देखिए ये बोर्ड लगा है, हम लोग आगे चल गए थे, तो आप लोग भी ये मिस्टेक ना कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ठीक, अस्तम्भ को अच्छी तरह से, उसके बाद आगे बढ़ना है। आप लोग देखिए, स्टार्टिंग हो चुका है मंदिरों में। फिलहाल तो हम लोग बाइक में हैं, तो आपको ध्वनि सुनाई दे रही होगी। देखिए बुद्ध जी, सॉरी महावीर जी की प्रतिमा। अब चलिए बाइक को रुका। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, यहीं से शुरू होता है पार्श्वनाथ के स्थान, ठीक ना। यहाँ से आप ऊपर चढ़ने लगेंगे। देखिए पार्श्वनाथ मंदिर जो है, यहीं पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि गंधर्व नाला 4 किलोमीटर दूर है, शीतल नाला 6 किलोमीटर, गौतम स्वामी टॉक 9 किलोमीटर, ठीक ना। और 20 तीर्थकारों के निर्वाण भूमि है, यानी कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, उनके नाम पर यह पूरा का पूरा पार्श्वनाथ रखा गया है। यह झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला में है, ठीक ना। आइए मैं दिखा दूँ यहाँ का थोड़ा पीछे। देखिए यहाँ पर आप गाड़ी वगैरह को रख सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होता है, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा सारा का सारा वीडियो आपको दिखाते जाऊँगा, ठीक ना। तो आइए अब स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तीर्थकार प्रत्येक दिन आते हैं, एवरीडे, ठीक ना। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं। देखिए रास्ते रास्ते में आपको पानी की बोतलें मिल जाएंगी, ठीक, बिस्किट वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए सारा का सारा आज पार्श्वनाथ हम लोग चढ़ाई करेंगे। आप घर में रहिए फिर भी चढ़ाई करेंगे, ठीक ना, हम हैं ना आपके लिए। चलिए देखिए चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लोग काफ़ी आते हैं, काफ़ी पालकी से भी आते हैं, जिनके पैरों में दम नहीं है, मतलब कहने का मतलब जो असमर्थ हैं उन्हें पालकी से ले जाया जाता है। देखिए एक दादी जा रही हैं पालकी से। तो पार्श्वनाथ का तो इतिहास में बता दिया, फिर से बता दो, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकार से पहले 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ की याद में बनाया गया है। इसे स्थल का नाम दिया गया है पार्श्वनाथ शिखर, जो कि झारखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक। झारखंड का भी इतिहास बता दूँ तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और यह गिरिडीह जिला में है। चलिए फिर मैं आगे बताऊंगा। जो देखिए साथ में फ्रेंड लोग भी बहुत सारे हैं, तो जितने भी झारखंड या विश्व कहीं भी हो, दोस्त दोस्त होता है, तो सभी के साथ घूमेंगे पार्श्वनाथ। चलिए अब देखेंगे ऊपर तक कितना दूर तक जा पाते हैं, कौन कितना, देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ अनमोल वचन लिखे गए हैं, जिसे आप पढ़िए, ठीक ना। और जैन धर्म के गुणों को देखिए कि क्या है जैन धर्म। विश्व में जितने भी धर्म हैं ना, सभी मानव के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आदमी नहीं समझता है, आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई करता है, सांप्रदायिक दंगे करते हैं, लेकिन समझदार आदमी ऐसा कभी नहीं करता है। धर्म आपका हो या मेरा हो, ठीक ना, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। मेरे रूम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सभी धर्मों के फ़ोटो लगाए हैं मैंने, और सभी धर्मों के मैं मानता हूँ। फिर मिलेंगे, चलिए। देखिए यहाँ पर भी कुछ अनमोल वचन लिखे गए हैं, इसे मैं स्पष्ट रूप से आपको दिखा दूँ, ठीक ना। जितने भी गुणवाणी देते हैं उन सभी का मैं आपको परिचय कराते जाऊंगा। देखिए कितनी ऊंचाई पर आ चुका हूँ, लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुका हूँ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी कुछ गुणवाणी लिखी गई है, मतलब गुणवाणी मतलब क्या, जो आपके विचार से जीवन को बदलने में समर्थ हूँ, ठीक ना। तो चलिए देखिए, जैन धर्म दो प्रकार के होते हैं। क्या हुआ कि जैन धर्म महावीर स्वामी के जाने के बाद दो धर्म बढ़ गया, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। तो ये दिगंबर हैं,
चलिए अब मैं दिगंबर और श्वेतांबर की कहानी को आपको सुनाता हूँ। दिगंबर वे थे, देखिए बीच में मंकी हैं, ठीक ना। दिगंबर वे थे जो कि वस्त्र का त्याग करते थे, ठीक ना, मतलब वे निर्वस्त्र रहते थे बिना कपड़े के। और श्वेतांबर वे थे जो श्वेत वस्त्रों का धारण करते थे, ठीक ना, देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इन्हीं की प्रजाति हैं। हम लोग कुछ वर्ष पहले इसी तरह हुआ करते थे। तो चलिए जैसे जैसे मिलते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। सच बोलता हूँ, दिल प्रसन्न कर दूंगा आज आपका। मेरे पास एक मैं इनको दे दिया खाने के लिए, ठीक ना। जब भी आइए तो कुछ बांटिए। तो अब मैं जा रहा हूँ, इन लोग सभी बांट के खा लेंगे। उधर बहुत सारे हैं, जितने भी मंकी भाई सब हैं, देखिए इन लोग भी भाई सब हैं। तो सब कोई जा रहे हैं, लाइव भी कुछ दे रहे हैं और कुछ वीडियो भी एडिटिंग कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं, देखिए जब भी आइए ना कहीं पे झारखंड आइए तो विशेष करके परसनाथ घूमिएगा एक बार, ठीक ना। तो इसी तरह बांटते रहिए। चलिए देख रहे हैं ना, अब चलिए जाते हैं आगे की ओर। आप जब भी आएंगे तो रास्ते में कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, सभी धर्मों के, सभी भाषी, बांग्ला भाषी अभी बात कर रहे थे, ठीक ना। तो मैं थोड़ा पीछे की ओर दिखा देता हूँ आपको। तो इस प्रकार की देखिए, देखिए क्या होगा कि जब भी आप कहीं पे तीर्थ में घूमेंगे ना, तो आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें ये चीज़ें इमेज सेट हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे कुछ एलिफेंट को लेकर कुछ बातें कही गई हैं, मैं उनको दिखाऊंगा, ठीक। मेरे विद्यार्थी जो मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, मेरे और एक दोस्त हैं, दो लोग ट्यूशन में पढ़ाते हैं, तो वो आगे बढ़ गए हैं। पूरे के पूरे कोचिंग की टीम आई है हम लोग ने, ठीक है, लाए हैं। तो चलिए देखते हैं। हाथी है देश किसान, हमें होना है, होना चाहिए उन पर मान, ठीक ना। देखिए झारखंड का जो राज्य के पशु है ना, वो हाथी है, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। अब देखिए मैं इससे इधर से भी थोड़ा राउंड करवा देता हूँ। तो देखिए हो गया, अब चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बीच बीच में आप बैठ भी सकते हैं। तो चलिए फिर से आ गए बंदर मामा। चलिए मैं एक बार फिर से मिला देता हूँ इन सबसे, ठीक ना। मेरे पास सुनते हैं, लेकिन अभी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं दे लूँगा तो फिर मैं भूखा रह जाऊँगा। तो आते वक्त अगर बच गया तो फिर से बांटेंगे। तो इसी सब का इंजॉय करेंगे। अगर आप फॉरेस्ट एरिया में आएंगे, जंगल के एरिया में, इन सबको घूमने का काफ़ी इंजॉय करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, कितनी अच्छी चीज़, पेड़ों से आती हमें हरियाली, जंगल अब हो रहे हैं देखो खाली। तो जंगल को काटना थोड़ा बंद कीजिए, तो सरकार ही ना काट दे यार, हम कहाँ काट रहे हैं, वही तो फैक्ट्री लगाती है ना। देखिए आपको बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे पानी, बिस्किट, पकौड़ी, समोसे वाले दुकान मिल जाएंगे, इसकी टेंशन ना लें। आते वक्त सारा कुछ देखा जाएगा। ओके, बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में मेरा भी नाम दे दीजिएगा, ठीक है, सभी का नाम जाएगा। चलिए और एक, यहाँ पे इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए स्वभाव को बदला कीजिए, कहते हैं का दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलिए। मौसम दोस्ती का, देखिए दोस्त जा रहे हैं, काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं, लगभग पूरा प्रश्नार्थ चढ़ने को है, ठीक ना। तो जैसे कि हम ऊपर पहुंचेंगे, पूरा का पूरा आपको दिखाएंगे। तो देखिए मैं कोशिश करता हूं यही कि इस दुनिया में अब जन्म ले ही लिए हैं, ठीक ना। इस दुनिया में जब जन्म ले लिए हैं तो कुछ ऐसा छाप छोड़ के जाइए कि आपके पिछले वाले आपको याद करके जाएं, ठीक ना, और कुछ अच्छे कर्म करके जाएं, क्योंकि लोग आपके धन दौलत का नहीं, आपके जो काम करेंगे समाज के लिए वो से ही आप याद रखेंगे, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे, चलिए तब तक के लिए रखते हैं, अभी लंबा सफ़र है काफ़ी। मेरे कोचिंग के स्टूडेंट लोग यहीं पे हैं, ठीक है ना। अब इन लोगों से मुलाकात होगी, देखिए एक बार सभी को मिला दे लेता हूँ, ठीक। चलिए सबको एक बार मिला दिया, देखिए उधर भी हैं,
देखिए मेरा दोस्त बैठ रहा है, हमको भी बैठने दो यार। बैठो 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 मेरा दोस्त, आ जाओ। देखिए हम भी देख रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा सफर है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ लिखा है, ठीक ना। आप पढ़ते जाइए, मैं अभी पढ़ने का समय नहीं है मेरे पास, आप पढ़ लिया कीजिए और दोस्त जितने भी उन सभी को शेयर कर दिया कीजिए कम से कम। इससे आप मेरे दोस्त हैं, शेयर तो करेंगे ही, ठीक ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए इन्हीं को भी दिखा देते हैं। दे बोलते हैं हमको दिखाइए, हमको दिखाइए। आ जाइए आ जाइए, जिनको जिनको आना है सारा को दिखा देते हैं। चलिए हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसे भी पढ़ लीजिए। रस से विरक्त प्राणी शोक मुक्त बन जाता है। आगे आप पढ़िए, थक चुके हूँ घर में, इसे सब जाके एक बार रिपीट होगा। चलिए काफ़ी ऊंचाई तक आ चुके हैं, लेकिन पूरी ऊंचाई तक चढ़ेंगे यार, ठीक ना। ताकत है अभी उतना, और ईश्वर करे आगे भी रहे, आप लोगों को भी मिले। जब भी आए पूरी की पूरी ऊंचाई चढ़े अपने दम पर, अपने पैरों के बल पर, ठीक ना। हेल्थ को अच्छा रखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बंदर है, मेरे पास हाफ संतरा है, दे देते हैं, ठीक ना। इसका भी वीडियो बना दीजिए। वीडियो रिकॉर्ड हो, देखिए 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 इसके क्या चाचा। दे रे दे रे दे रे दे रे, रुकिए इतना मत दिखाइए। चलिए चलिए चलिए, दिया दे दिया, कितना देगा? चलो चलो, कितना देगा? इधर आते वक्त देंगे, आते वक्त। चलिए चलिए चलिए, देखिए थोड़ा बच के जाना पड़ेगा, ठीक ना। नहीं तो आपको क्या लगता है कि डर जाएंगे? डरना नहीं है, डरेंगे तो आपको फिर मुश्किल हो सकता है, ठीक ना। लेकिन डरिएगा नहीं, उनसे बात कीजिएगा एज लाइक अ ह्यूमन, तो कुछ नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर भी कुछ अनमोल वचन लिखे हैं, इसे आप पालन कीजिए। जितने भी मैं आपको अनमोल वचन दिखा रहा हूँ उन सभी का पालन करते जाइएगा ना, तो लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक ना। इधर तो बोर्ड पूरा मिट चुका है, यहाँ पे वन्य जीव प्राणियों की रक्षा करें, ठीक ना। रक्षा करना है जिस प्रकार, बंदर को मारना नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का लाठी से चोट ना पहुँचे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, हम लोग यहाँ पे। हाँ भैया चलिए जल्दी आइए, देखिए वैसा करेंगे तो कैसे पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक अनमोल वाणी है, चलिए इसको भी, चलिए आइए पढ़ते हैं, ठीक। सिद्ध भगव सिद्ध भगवंतों की आराधना करते हुए पानी कहाँ जा रहा है, पर्वत राज की दूरी तय करते चले, ठीक है। चलिए इधर से भी एक बार ले लेते हैं। देखिए मेरे साथ आए हैं, मेरे भाई के समान है, सारे दोस्त हैं मेरे। चलो ऊपर में अगर आप खाना चाहें तो इधर खाना उना मिल जाएगा आपको आसानी से, ठीक है, जब भी कभी आएंगे तो। और देखिए यहाँ पे एक घर भी है, अगर आप बहुत थक चुके हैं तो आराम भी कर लीजिएगा। अब चलिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक पहुँच चुके हैं, और जितना भी ऊंचाई है आज चढ़ेंगे यार, चाहे जितना टाइम लगे, ठीक ना। तो चलिए कितना टाइम लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा एंड में। देखिए एक मेरे दोस्त हैं जो कोचिंग में हम और दो पढ़ाते हैं, यहाँ पे आ गए, देखिए। चलिए से थोड़ा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कुछ नज़ारा है, फील कर लीजिए, मिल लीजिए मेरे दोस्त से, ठीक ना। अब देखिए इधर हम थोड़ा दिखा देते हैं, वो भी मेरे एक स्टूडेंट है, ठीक ना। हाँ ये विशेष रूप से यही पढ़ाते हैं, हम तो सिर्फ सोशल साइंस कभी कभी पढ़ाते हैं, ठीक ना, बाद बाकी सब यही मेंटेन करते हैं सारा कुछ। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत ऊंचाई पे है। देखिए वो सब जहाँ पे अभी दिखाएं आपको, जो पानी बह रहा था झरना में, वो सब में आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, ठीक ना। स्नान मतलब नहाना, फ्रेश हो लीजिएगा, जहाँ आपको नहाने का मन करे, मलमूत्र त्याग करने का भी मन करे तो आप साइड में जाकर कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए इधर से शॉर्ट कोर्स भी पड़ता है, लेकिन मुझे तो घूमना है भाई, घूमने के लिए आया तो पूरा घूमूंगा।
देखिए एक नहाने के वहाँ पे बहुत सुंदर जगह है, ठीक ना, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देख लें। हाँ बस आपको रास्ता भी दिखा देता हूँ, उधर से जाइएगा, इधर से उतर के नहाने का सारा प्रबंध कर दिया प्रकृति ने। नेचर कहते हैं ना, नेचर जो रहता है नेचुरल, ठीक, उसका कोई टक्कर नहीं। यहाँ पर भी कुछ लिखा है, इन्हें भी पढ़ लीजिए, साधक आत्मा को भाव सागर से। देखिए आप पढ़िए भाई, थक चुके हम, इधर का तो नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए देखिए क्या होता है कि कभी कहते हैं ना कि हम गांव में क्यों जन्म लिए। गांव में जन्म लेने का यही फायदा है कि आप बचपन से संघर्ष करते हैं और इन छोटी छोटी चढ़ाइयों के लिए आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि ये क्या चढ़ना है। मैं बता दूँ मैं गांव से हूँ, ठीक ना, और जितने भी गांव के कैंडिडेट होते हैं ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स सेना में आप कभी भी जाइएगा तो इतना तो खूब है कि आप रनिंग में कभी फेल नहीं कीजिएगा। मैं भी कमांडो के रनिंग में पास हो गया था, सारा का सारा फिटनेस पास हो गया था, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया 3 मार्क्स के कारण। चलिए आगे बताऊँ। देखिए यहाँ पर झूला वूला है, अगर आप चाहें तो झूल सकते हैं, ठीक ना, थक चुके हैं काफ़ी भाई। चलिए आगे सबको दिखाएंगे, पढ़िए। देखिए बहुत अनमोल चीज़ दे रहा हूँ, इन सब चीज़ें बाद में मैं अगर कहीं पे जाऊँगा फॉरेन कंट्री विदेश वगैरह तो वहाँ पर भी मैं आपको सारा कुछ देते जाऊँगा, ठीक ना। तो देखिए पढ़ अच्छा से रीड कर लीजिए, चलिए आगे चढ़ते हैं। चलिए बबलू, ये बबलू है मेरा भाई है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है इसका अर्थ मैं समझा देता हूँ, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचानो, ठीक ना, सभी को पहचाना है कि रिलेशनशिप में कौन क्या है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सारा कुछ बता दूँ, और देखिए कितना चढ़ना है, अभी सारा का सारा दिखा देता हूँ। चलिए अभी आधा पहुँचा हूँ मैं लगता, कुछ अच्छी बातें लिखे हैं, इन्हें मैं घर जाके अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करूँगा, ठीक ना, पहले उतारूँगा नोटबुक में अपने, ठीक ना, आप भी कोशिश कर सकते हैं तो उतारिए, क्योंकि जितने भी महान व्यक्तित्व तो है ना। देखिए यहाँ पे फिर से और एक चीज़ी बातें आ गई लाइफ में उतारने को, इसे भी आप लाइफ में उतार लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इधर से भी थोड़ा ले लेते हैं, दुखी होना मात्र दुख को ही निमंत्रण देता है, इसलिए दुख से कभी नहीं था घबराइएगा, ठीक। चलिए मैं थोड़ा उधर का नज़ारा दिखा देता हूँ, काफ़ी नीचे है भाई, इसे पढ़िए। देखिए जितने भी अच्छे अच्छे चीज़ें मैं ऐसा भी आपको अवगत कराते जाऊँगा, इधर तो नहीं दिख रहा क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थक जाते हैं अक्सर राही, लेकिन आपको वो राही बनना जो कभी नहीं थके। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं आपको अच्छा से स्पष्ट दिखा दूँ, ठीक ना। हाँ तो ये देख लिए, मैं दरअसल थॉट्स के लिए ही स्पेशल ज्ञान मिलता है, ठीक ना, विचार ही आदमी को बदलते हैं, इसलिए विचारों को अपने दिमाग में घुसाइए। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, उन्हें भी आप पढ़िए। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से पूरा का पूरा नज़ारा, अभी कितना ऊंचाई चढ़ना है, ठीक, सारा का सारा चढ़ेंगे दोस्त, जब तक जान है तब तक हार नहीं मानेंगे। देखिए अभी भी 2 किलोमीटर है, वैसे तो मैं लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ चुका हूँ, ठीक ना, तो कहते हैं ना कि दम नहीं हारना चाहिए, चाहे मंजिल कितने भी दूर क्यों ना हो, आखिरी सांस तक लड़ो, फिर मिलेंगे। चलिए दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें लिखी हैं, इन्हें आप अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। अब चलिए मैं दिखाता हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं एक आपको अच्छी बात तो बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट बोलते हैं यार, कोई भी यात्री, ठीक ना, जो ट्रेवल करना चाहते हैं पर्वत पर, तो लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई है, इससे आपका अगर मिर्की का बीमारी है, ठीक, या फिर अस्थमा, किसी भी प्रकार की बीमारी जो आपका दम घुटने लगता हो तुरंत, तो आप कृपया करके ना आए, नहीं तो आपकी स्थिति बिगड़ सकती है भाई, ठीक ना। तो आप अपना सेहत का के अनुसार कदम उठाएंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी जन्म मरण इकला करे, सुख दुख भोगे एक, नरक
गमन भी एकला, शिव सुख पावे एक। थक चुके हैं, आप ही पढ़ लीजिए, लेकिन और भी आगे तक जाएंगे। जितने भी दोस्त हैं ना, सभी शॉर्ट रास्ता यूज किए, सभी शॉर्टकट, लेकिन मैं लॉन्ग रास्ता यूज किया हूँ। क्यों? क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्त। जो लॉन्ग ड्राइव में मजा है, वो शॉर्ट ड्राइव में कहाँ। अपने पाँव से चलना है शॉर्ट ड्राइव की अपेक्षा लॉन्ग ड्राइव। तो चलिए, मैं सबसे कठिन मतलब जितने भी सबसे दूर रास्ता है ना, उसी को मैं चुना हूँ। देखिए, इसलिए इस मार्ग पर बहुत कम या फिर ना के बराबर लोग हैं। सब कोई चलते हैं, चलते चलते लगभग थक जाते हैं। काफ़ी ऊंचाई तक आ गया हूँ, ठीक ना, और ऊंचाई तक बहुत कम ही लोग आ पाते हैं। वैसे अब देखना है कि कितना ऊंचाई तक मैं भी जा पाता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। भले शरीर से हार जाऊँ, लेकिन मन से कभी नहीं हारूंगा, ठीक ना। इतनी प्रेरणा मुझे अपने गाँव की मिट्टी से मिली है। फिर मिलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं, एक बार चलिए नीचे दिखा देता हूँ आपको, दिखेगा या नहीं, चलिए बैक साइड से। तो ये देखिए किस प्रकार का है, आपको इस प्रकार का रास्ता चढ़ना पड़ सकता है। अब चलिए मैं यहाँ पे एक अनमोल वाणी को दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, वही धनवान है जग जो जग में लोभ, जिसके नहीं मन में लोभ, अपने मन में नहीं करना है, वह निर्धर रंक मतलब राजा है। निर्धन राजा होता है जो प्रधान को हरा चाहे, ठीक ना। देखिए, मैं अभी पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, पढ़िए आप, एंजॉय कीजिए। देखिए कैसा रास्ता है, ऊपर नीचे सारा दिखाते जाऊँगा। जो नहीं जा सकते हैं उनको इसी प्रकार पालकी में ले जाया जाता है, आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा उसके बदले, ठीक ना। अब बस मंजिल के करीब हैं, पहुँच ही आए हैं लगभग, ठीक ना। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए वो दिख रहा होगा आपको पर्वत, वहीं पे अभी पहुंचना है। चलिए देखिए कितना दूर पहुंचे हैं। देखिए वहां तक जाना है भाई, ठीक ना। चलिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक। तो चलिए देखिए, दोस्त राह में एक दो मिल जाते हैं, आपको मिल जाएंगे। ये इनको भी दिखा देता हूँ थोड़ा, सब साथ में जाते हैं भाई। देखिए भाई बहन माता जी सभी को प्रणाम। चलिए काफ़ी दूर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी और भी ऊपर चढ़ना है। सुनना अधिक बोलना कम, ठीक ना। इधर से भी पढ़ लीजिए। देखिए बाइक अगर आप अच्छे से चला ना सकते हैं, तो यहाँ पर भी चला सकते हैं। देखिए इसे तो मैं अब काफ़ी थक चुका हूँ, चलिए रखते हैं। देखिए यहाँ पे मधुबन धर्मशाला है, लगभग नीचे से 10 किलोमीटर की ऊँचाई पर, ठीक ना। यहाँ पे अगर आप काफ़ी थक जाते हैं, लगता है कि आप नींद आ रही है, नहीं चल पाएंगे, तो अब यहाँ पे आ जाके आराम कर सकते हैं। कुछ शुल्क लगेंगे, शुल्क मतलब कुछ रुपये लगेंगे, और कितना ऊंचाई है चलिए देख ही लेंगे आज, ठीक ना। पता नहीं आपको कभी आ पाएँ या ना आ पाएँ, ठीक ना। इसलिए जहाँ भी जाएँ पूरी ऊँचाई को चढ़ने की कोशिश करें। चलिए फिर चलते हैं। देखिए अभी यहाँ पे एक टावर भी है, ठीक ना, नेटवर्क BSNL का लगता है, क्योंकि मेरे मोबाइल में BSNL का सिम है और एक एयरटेल का। तो BSNL तो पूरा फुल टावर में है, लेकिन एयरटेल का एक भी टावर नहीं है, जियो का है नहीं, मालूम नहीं, और अदर सिम का भी, ठीक ना। बस उतना ऊंचाई चढ़ना है, उसके बाद उधर भी एक थोड़ा सा। तो देखिए दोस्त, यहीं तक लास्ट आपका बाइक चढ़ा सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते इससे आगे बाइक, ठीक ना। तो अगर आप बाइक का अच्छा खासा चलाने जानते हैं, तो आप आ सकते हैं यहाँ तक। लेकिन अगर आप नौ सीखिए हैं, मतलब कुछ दिन हुआ, 6 महीने साल भर हुआ है, तो आप बाइक ना लाइएगा इतना ऊपर। अगर आप अच्छे खासे चलाना जानते हैं, तभी आप बाइक इतना ऊंचाई तक लाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ तक उधर बंदर हैं, बंदर के सामने आप मोबाइल ना दिखाएं, ठीक, और अगर कुछ लाएँ तो दे दिया कीजिए। देखिए लगता है कि आसमान पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पे भारतवर्ष से जितने भी दिगंबर जैन धर्म के दिगंबर मतलब जैन, ठीक ना, है तीर्थयात्री, यहाँ पे कमेटी है उनका। और चलिए ऊपर चलते हैं, जितना ऊपर है पूरा ऊंचाई तक चढ़ना है। देखिए नेटवर्क BSNL, चलिए भारत संचार निगम लिमिटेड होता है BSNL का फुल फॉर्म, ठीक। देखिए यहाँ से मेन चढ़ाई शुरू होती है अब, ठीक ना, अंतिम छोर पे हैं। देखिए वहाँ पे पहुँचना है, तो अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, और आगे जितने भी मुख्य स्थान मिलेंगे हम आपको दर्शन कराते जाएंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ से लगता है कि क्या झारखंड वास्तव में यही झारखंड है, ठीक ना। ये देखिए
पहुंच चुके हैं, अब अंतिम छोर पे हैं। चलिए अपना भी फोटो ले लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं, अब लगता है कि पहुंचने ही वाले हैं, ठीक ना। तो जैसे ही मैं मंदिर के सामने पहुंचूंगा आपको भी दिखा दूंगा, ठीक ना। काफ़ी थक चुके हैं, चलिए चलते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स नीचे मेरा वेट कर रहे होंगे। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, ठीक ना। देखिए एकदम आराम से देखिए, गौर से देखिए, ठीक। चलिए मैं इधर सारा का सारा घुमाऊँगा पारसनाथ आपको। झारखंड का ये ना काफ़ी मतलब क्या कहें, शान को ऊंचा कर देता है, ठीक। काफ़ी ऊंचाई पे है, लगेगा कि आपको एवरेस्ट पे ही चढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो आया कीजिए तो घुमा कीजिए झारखंड, झारखंड का गिरिडीह जिला। फिर से मैं रिपीट करा दूँ, झारखंड का गिरिडीह जिला, ठीक। जैन धर्म के दिगंबर शरणार्थियों के लिए, इसे कोई भी धर्म किसी भी विश्व के कहीं से भी आप आ सकते हैं इन वर्ल्ड, ठीक ना, पूरे के पूरे वर्ल्ड में आ सकते हैं। देखिए ये बोर्ड लिखा हुआ है कि पर्वत राज के संपूर्ण टंकों की यात्रा कर आप धन्य हुए। यहाँ मतलब यहाँ पे आप पूरी की पूरी पहुँच चुके हैं, लेकिन मंदिर घूमना भी बाकी है। जैसे ही मैं मंदिर पे पहुँचूँगा आपको सारा का सारा इमेज दिखाऊँगा, ठीक ना, सारा का सारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आप ऊपर आएंगे तो आपको मोर मिलेगा टर्न, ठीक ना। एक उधर रास्ता जाता है, एक इधर रास्ता जाता है। तो पहले हम इधर के रास्ते में जाएंगे, उसके बाद उधर वाले में संपूर्ण यात्रा करेंगे। चलिए ऊपर चल कर आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये पहला मंदिर है, फर्स्ट टेम्पल है हम लोग का, घूमने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एड भी है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ठीक देख सकते हैं। चलिए अब मंदिर में घुसेंगे। चलिए इधर का सारा इमेज दिखा दूंगा। यहाँ पे जूता चप्पल खोलने का है, ठीक है, जूता चप्पल आप खोल लें उसके बाद ही ऊपर चढ़ें। तो चलिए मैं यहाँ पे जूता चप्पल को खोल लेता हूँ, ठीक। ये देखिए इधर रख दिया, ठीक। अच्छा जूता भी होना चाहिए, ये सारा याद आपको फोटोग्राफर भी मिल जाएंगे, 20 रुपया बोल रहा है फ़ोटो खींचने का, ठीक। एक मैं फ़ोटो खिंचवा ही लूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाई दिया जिस प्रकार फ़ोटो खींच रहा है, ठीक है ना। 20 रुपये का फ़ोटो लेगा, फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो खिंचवा लीजिएगा। और देखिए मंदिर पहुँच ही चुके हैं, आप लोग को दिखाई दे कितना ऊंचाई पे आ चुके हैं। और देखिए इधर वाइट वाइट कलर का आसमान आपको दिखने लगेगा नज़ारा, ठीक ना। मात्र 13.5 किलोमीटर है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, लेकिन अगर आप वाइड डिस्टेंस में जाएंगे तो 10 किलोमीटर पड़ जाता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए मंदिर लगभग पहुंच ही आए हैं, चलिए एंटर करेंगे। ये देखिए ये दिख रहा है मंदिर, पूरा का पूरा मंदिर आपको दिखाएंगे, ठीक ना, सारा का सारा। सब जो थक जाते हैं वो यहाँ पे लेट जाते हैं। ये मस्त नज़ारा है, क्या यहाँ से देखिए, ठीक ना। ये देखिए यहाँ से रोड भी दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरा का मेगापिक्सल मेरा कम है, लेकिन आँख का मेगापिक्सल कितना हाई होता है, 365 या कुछ मेगापिक्सल होता है। तो आँख से आप मतलब खुली आँखों से नज़ारा देखेंगे ना तो मन खुश हो जाएगा, क्या मस्त नज़ारा है, ठीक ना। ये देखिए उधर से ही हो कितने हुए हम लोग आए हैं, और ये सारा मंदिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। पूरा का पूरा मार्बल है, ये पूरा पूरा मार्बल है। अब चलिए इधर इधर एक गेट है, यहाँ पे भजन जो भी हो रहा है इनका पूजा अर्चना हो रही है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा लग रहा है कि स्टील पूरा का पूरा चांदी का है, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे का नज़ारा। यहाँ से एक पूरा का पूरा पार्श्वनाथ, सच में बोल दे रहा हूँ आपको, पार्श्वनाथ का पूर्ण ज्ञान मैं लगभग इस वीडियो में दे पाऊँ तो अच्छी बात है। ठीक, ये देखिए मेरा वीडियो कैमरा का वीडियो लगभग, ये देखिए अब लग रहा है। हाँ अब ठीक है, पारसनाथ लग रहा है अब, ठीक ना। ये मेरा एक चक्कर हो गया मंदिर, यहाँ से आप एंटर करेंगे अंदर में तो मोबाइल नहीं हम घुसाएंगे, डांट उट मिल सकती है। ठीक, तो यहाँ से ही मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। हाँ बस हो रहा है, तो देखिए अब उतरने वाले हैं यहाँ से, ठीक ना। अंदर में कोई मूर्ति नहीं है, बस थोड़ा जो पाठ पूजा पाठ बोलते हैं, ठीक ना, जितने भी अपने सारे वो जो भी बोलते हैं जैन धर्म के कारों को, वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही थी, उनका मंत्र जाप हो रहा था, ठीक ना। तो आप लोग को मैं दिखाई दिया जितना हो संभव हो सका। अब नीचे उतर रहे हैं, अब उस पहाड़ी पे जाएंगे, उसके बाद उस पहाड़ी पे जाएंगे, ठीक ना, और सारा का सारा फिर तीर्थ करके हम लोग नीचे वापस आएंगे। लाल कलर का है कपड़े। तो जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं, मतलब सब्सक्राइबर हैं, तो दूसरों को शेयर कीजिएगा प्लीज, ठीक ना। बड़ी मेहनत से ये सब करते आया हूँ, चलिए फिर रखता हूँ। तो देखिए जिनको अगर मतलब नहीं चढ़ पाएंगे उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई यहाँ पे, ठीक ना। कुछ शुल्क लिया जाता है, कुछ मूल्य लिया जाता है आपको नीचे उतारने के लिए। पूरा का पूरा 9 किलोमीटर है भाई, समझ रहे हैं ना। तो 9 किलोमीटर की ऊंचाई से अगर आपको नीचे उतारेंगे तो कुछ ना कुछ लेंगे ना, ठीक। तो अब हम सेकेंड रास्ते पे चलेंगे, ठीक, दूसरा मार्ग जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं, और पूरा का पूरा हम तीर्थ संपूर्ण यात्रा करेंगे। तो चलिए, देखिए चढ़ने में ही जितना दिक्कत है, उतरने में आपको आसानी होगी। तो अगर आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर नीचे उतरने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। इससे में सारा का सारा देखिए काफ़ी व्यक्ति आते हैं। अब चलिए दूसरे रास्ते पे जाएंगे। कभी आपको आने का मौका मिल जाए सौभाग्य से, ठीक ना, झारखंड, तो ये बोल रहे हैं घूम लीजिएगा एक बार, और फिर मौका मिला तो माउंट एवरेस्ट भी घूम लीजिए। वैसे मैं कभी माउंट एवरेस्ट गया, ठीक ना, यानी कि हिमालय, तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा सारा का सारा, ठीक। तो चलिए अभी फ़िलहाल इसको देखते हैं। नीचे मेरे एक जो स्टूडेंट हैं और मेरे दोस्त लोग वेट कर रहे होंगे, ठीक ना। काफ़ी छोटे हैं, 9th class, 8th class, 6th class के बच्चे हैं, उन्हें भी मैं सबको छोड़ के ऊपर आ गया हूँ। अब देखिए दूसरे मार्ग पे जा रहे हैं, यहीं पे हम लोग चढ़े थे, ये था पहला मार्ग, ठीक ना। अब इधर चलेंगे दूसरे मार्ग पे। अब चलिए इधर जैसे ही आएगा, चलिए एक अनमोल रचन आया, इसको मैं दिखा लूँगा, उसके बाद वीडियो को फिर से स्टॉप करूँगा, पहुँच करके फिर मैं आपको लोड करूँगा, ठीक। चलिए यहाँ पे जो भी है मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, इससे आप पढ़ लीजिए, ठीक। देखिए एक फिल्म के जितना यह वीडियो, क्या बोल रहा था कि एक फिल्म के जितना यह वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको जो एक फिल्म में जितना नॉलेज मिलेगा ना, उससे कई ज़्यादा गुना आपको इससे नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप इन सभी जो रोल बताए मैंने, वचन, अनमोल वचन, उनको फॉलो करेंगे तो, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक मंदिर है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी चढ़ाई कर लेता हूँ। जूता खोल लीजिएगा, जूता चप्पल जो भी, प्रणाम कर लीजिएगा। जय बोलो निमिनाथ भगवान की जय, निमिनाथ जी न सिद्ध भए। ओप करते हैं। देखिए यहाँ पे अजीत नाथ जी का मंदिर है, ठीक। तो यहाँ पे सभी मंदिरों में ये जो लिखा होता है ना, उन्हीं का मंदिर होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं ये दिखा दूँ थोड़ा, ठीक। ये देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अनमोल वचन लिखा है, जब तक बुढ़ापा पीड़ित ना करे तदही ना बढ़े और इंद्रियाँ, इंद्रियाँ मतलब समझते हैं ना, पंच इंद्रियाँ, ठीक है ना, उन्हीं इंद्रियों को आप पढ़िए, और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखिए अब नीचे दौड़ेंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे।
हमारे जीवन से जुड़ी कुछ अच्छी बातें लिखी हैं, इन्हें आप याद कर लें, नोट कर लें, ठीक, और इन्हें अपने जीवन में मूल्यों में उतारें। चलिए इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सारा का सारा मैं जितना भी मेरे पास शक्ति है ना, मैं फुल उपयोग करूँगा आपको देने का, और जितना भी नॉलेज है मेरे पास। देखिए और भी भाई लोग आए हैं कैमरा के साथ है, हाँ इन्हें भी मैं दिखा दूँ और बता दूँ कि मेरे साथ जितने भी दोस्त थे, जितने भी यार थे, सभी बोल दिए कि मैं नहीं जाऊँगा, आप जाइए घूम के आइए, ठीक है ना। तो मैं चल पड़ा हूँ, आप लोग को दिखाना है ना, जब दोस्ती करनी है तो अच्छे से करते हैं, चलिए घूम ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जितना लेट हो जाएगा मैं बताऊंगा कितना टाइम लगा पूरा का पूरा। वे बोर्ड लगाए और लगभग मैं 10 किलोमीटर चल चुका हूँ, ठीक ना, थक भी चुका हूँ शरीर से थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से अभी नहीं थका हूँ। अब देखिए लगा यहाँ से और लगभग 1 किलोमीटर दूर है, उसके बाद यू टर्न लेंगे, यानी कि फिर से वापस आएंगे और आगे बताएंगे कि कितना टाइम लगता है, आपकी स्थिति क्या हो सकती है, कैसे अनुसार आपको चढ़ना चाहिए, ठीक ना। सारा का सारा अपना एक्सपीरियंस निचोड़ के बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए यहाँ पे हैं, इसे भी पढ़ लीजिए, सारा का सारा बोर्ड मैं आपको देते चला हूँ, यानी कि सारा का सारा ज्ञान, ठीक ना। इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे पर्वत दिख रहा है, वही दोनों पर्वत जाना है, उसके बाद लौट के आना है, ठीक ना। चलिए दिखा देता हूँ ये भी पर्वत, इसको भी दिखाई देता हूँ, उसके बाद वीडियो को स्किप करूँगा। आदित्यनाथ जी का मंदिर है, दिखा दूँ आपको अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे अनमोल वचन को पढ़ लीजिए, ठीक ना। और चलिए इधर से भी आप पढ़ लीजिए, ठीक, और इससे भी पढ़ लीजिए, और आने के बाद आपको बताऊंगा कि कितना टाइम लगता है भाई और कितना टाइम जाने में लगता है। अभी तो मैं चढ़ाई पूरा नहीं किया हूँ, फिर उसके बाद यू टर्न लूँगा। देखिए इतना है, ठीक, यहाँ तक दो छोरों पर हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम मैं आपको दिखाई देता हूँ कितना डेंजर दिखता है, खतरनाक लगता है कि आसमान पे आ गए हैं। ठीक, भाई रिक्स का लेते हैं। ठीक, सारा का सारा मैं दिखाते जा रहा हूँ, ठीक, अब दोनों मंदिर जाना है, वहाँ पे उसके बाद फिर यू टर्न लेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक ना। अब अंतिम छोर पे हैं, आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से ख़त्म होता है पार्श्वनाथ का तीर्थ, ठीक, इसे भी पढ़ लीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, जितना ये को नॉलेज देगा ना, उतना ना बुक नहीं दे पाएगा नॉलेज, ठीक ना। ये अनमोल वचन, वेद पुराण जो होते हैं ना, ठीक, उन्हीं से लिया गया है, तो यह गुण ज्ञान है एक प्रकार का। चलिए मैं सारा का सारा दिखाऊंगा, आपसे बोला हूँ तो दिखाऊंगा ही जरूर, चलिए उसके बाद यू टर्न लेंगे, क्योंकि मेरे सारे दोस्त पीछे रह गए हैं और कोई भी रास्ते में आपको नहीं दिख रहा होगा कि जाता हुआ, सभी लौट के आ रहे हैं, यानी कि सभी सुबह को चले, और मैं चढ़ाई कितना बजे किया हूँ वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक। यहीं से हम यू टर्न लेंगे, देखिए यहाँ से आपको वो मंदिर दिखेगा, ठीक, उसे जाना होगा, उसके बाद आपको वो मंदिर, ठीक, नीचे में भी मंदिर है थोड़ा सा, तो दो मंदिर जाने के बाद आपको पूरा का पूरा समाप्त होता है, देख रहे हैं वहाँ पे एक मंदिर है, ठीक ना। ये मंदिर आने के बाद आपको अंतिम हो जाएगा, तो यहीं से मैं वापस चलूँगा, और चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अब घूमता हूँ मैं, ठीक ना, काफ़ी दूर हो चुका है और काफ़ी देर भी हो चुका है, लगभग 10 बजे मैंने यात्रा शुरू की थी और अभी बज गए हैं 1:08, यानी कि 3 घंटे मुझे लगे चढ़ने में, ठीक ना। और कोई भी दोस्त अभी नहीं चढ़ रहा है मेरे साथ, तो मैं अकेले हो जाऊँगा, तो फिर
उतरने में दिक्कत हो जाएगी, तो अब मैं दौड़ते हुए उतरूँगा क्योंकि मेरे ट्यूशन के सारे दोस्त नीचे में हैं, मतलब जितने भी मेरे भाई वगैरह और दोस्त वगैरह सारा का सारा भाई बांधव, ठीक ना। तो चलिए यहीं से मैं यू टर्न लेता हूँ, अंतिम आपको दिखा देता हूँ, ठीक, सारा का सारा देख लीजिए एक बार। तो चलिए यहीं से फिर बताऊंगा कि अब नीचे कितने देर में पहुँचते हैं। चलिए कि अब उतरते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप हेल्थ हैं, ठीक ना, यूथ हैं यानी कि युवा हैं, लड़की हो या लड़का, ठीक ना, आप क्या है कि आप शॉर्ट रास्तों को यूज कीजिए, जल्दी पहुँचेंगे, ठीक, अगर आप में सामर्थ्य है तो। और जाते वक्त अगर आपको घूमने का मन करता है तो आते वक्त जाते मतलब जब जिस वक्त आप चढ़ेंगे उस वक्त रोडों से अगर झलक, ठीक, और उतरते वक्त शॉर्ट रास्तों में जैसे कि मैं उतर रहा हूँ, नहीं तो आप उतर सकते हैं, ठीक। शॉर्ट रास्तों से क्या होगा, थोड़ा खतरा रहेगा लेकिन आपको जल्दी उतरने की सहूलियत होगी, अगर आपका प्रैक्टिस है तभी आप उतरें, ठीक। तो फ्रेंड्स अब बताने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं, ठीक ना, तो आपको कहाँ पे उतरना पड़ेगा, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए वहाँ पे एक एच लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक, ये यहाँ पे, हाँ बस यहीं पे हेलीकॉप्टर आके उतरता है, ठीक। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उतर सकते हैं, ठीक। ये मेरा इतना क्लियर नहीं आ रहा वीडियो, लेकिन दिखा दें आपको ये जो बना है स्लिप, बस वहीं पे, ठीक, हेलीकॉप्टर से आके उतर सकते हैं। उसके बाद आपको नहीं, इधर आपको पैदल ही आना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम नीचे उतरते हैं, नीचे उतरने वाले, रुक अखनी फोटो खींच लीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ बंदर हैं, ठीक ना, मंकी, इनका मैं अब वीडियो दिखा दे रहा हूँ, देखिए पेड़ पर भी कितने हैं, ठीक, एकदम आराम से देखिए, अगर इनको कुछ खाना देना हो तो दे सकते हैं, दिए संतरा डी रुकी, इनको एक संतरा खिलाते हैं, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज अपना ट्राई करते हैं, खोटा, तो देखिए हम लोग के साथ सभी को आए हैं, अभी हम लोग संतरा खिलाएंगे, एक बार संतरा खिलाए थे फिर से खिलाएंगे, ठीक ना, लेकिन देखिए जब भी आप खाना खिलाएंगे संभल के खिलाएंगे, नहीं तो नोचेंगे, ठीक ना। तो देख लिए, और एक बार आपको क्लीन से दिखा देता हूँ, चलिए संतरा निकालिए तो बीच में, बैग में बीच वाला में, हाँ देखिए यहाँ सभी मंदिर दिखता है लेकिन आपको शायद नहीं दिखेगा, दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर नहीं, दुनिया का भी नहीं है, चलिए और भी होगा, लो और नहीं है, देखिए को है, अच्छा लेकिन इनको कोई चना खाने के लिए दिए हैं, चना खा रहे हैं, देखिए चना है, ठीक ना, वो देखिए ऑरेंज दिए खा रहे हैं, तुरंत उठा लिए, ठीक ना, देखिए चारों तरफ है व्यस्त कांड, लूटी लपसुन मोबाइल तो वायल जोकर नहीं खाया, देखिए देखिए वहाँ पे कितना है, तो आपको एक मतलब गजब का अंदाज मिलेगा, ठीक ना। तो अब नीचे उतरनेंगे, ठीक ना, डेढ़ बज चुका है, सुबह को 10 बजे चढ़े थे, पूरी चढ़ाई 1:30 बजे तक कंप्लीट हो गई, और नीचे उतरने मतलब 3 घंटा चढ़ने में लगा, 3 घंटा उतरने में, यानी कि 6 घंटा लगेगा आपको, ठीक, अगर आप अच्छे तरीके से चढ़ेंगे, ठीक। तो यूथ हैं अगर आप, तो 6 घंटे में पूरी चढ़ाई कर लेंगे, तो बाय, फिर से दिखाते हैं, या क्या शॉट मारा बंदर ने, तो देखिए दोस्तों हम लोग 10 बजे चढ़े थे और अभी 3 बज चुका है, 3:03, और अभी भी लगता है कि 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको, मतलब पानी वगैरह नहाना होगा तो यहीं पे नहा लीजिएगा, ठीक ना, पारसनाथ में यहीं पे एक नहाने का स्थान है, ठीक। चलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नहाने का स्थान है उधर भी, ठीक ना, तो आप यहीं पर नहा लीजिएगा, देखिए जहाँ पर उधर है पानी वगैरह भर लीजिएगा, नहीं तो ऊपर में काफ़ी हाई रेट में आपको पानी मिलेगा। फिर मिलते हैं, और जैसे ही पहुंच जाएंगे हम आपको बताएंगे, ठीक, नाश्ता वास्ता आप साथ में लेते जा सकते हैं। अब बंदर को खिलाने जा रहे हैं, थोड़ा समोसा है कार्टून में बचा हुआ, ठीक ना, बासु कुड़ा खाएगा, जाए दौरे दौरे रख दो रख, उधर है उधर उधर दे दीजिए, देख बंदर,
बहुत ही राख दे रहे थोड़ा सा रुकिए थोड़ा और खाओ बुढ़ा आ जाइए इतना ऑफर मिला है आपको खाने दो गबगबा गए एकदम गबगबा के मारिए मार गबगबा के मार गबगबा के एकदम आ जाइए आप भी आ जाइए इतना ले लिया है कि खाने नहीं सक रहा है इतना मारिए हमको मारेगा अब भाग गए अब जा रहे हैं ठीक ना अभी भी नहीं पहुंचे हैं अभी कितना बजा है वो 3:42 हुआ है और 10 बजे निकले थे हाँ तो फ्रेंड्स देखिए 5 बजने वाला है यानी 4:30 बज गया 4:28 ठीक ना 10 बजे चढ़े थे और अभी नीचे में आ चुके हैं और 500 मीटर दूर है लगभग नीचा ठीक ना तो सारा का सारा मैं नॉलेज दे दिया जितना देना था मेरे पास मैं जो भी कर सकता था आपके लिए वो सारा चीज़ किया देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ से ठीक ना नीचे का दृश्य भी दिखा दिया स्पष्ट रूप से अब चलिए अंतिम जब वहाँ पे स्टार्ट होता था वहाँ तक मैं दिखा दूँगा देखिए इस बोर्ड में लिखाती है कि संपन्नता मित्रता बढ़ाती है ठीक ना आगे आप पढ़िएगा और हम घर में नोट करेंगे अब चलिए पलट के दिखा देता हूँ स्पेशल जो ज्ञान था ना इसी सब में यही सब यही बोर्ड में ठीक ना चलिए अब अंतिम छोर पे दिखाएंगे वीडियो चलिए शंकर जी हाँ तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं मधुबन ठीक ना ये देखिए मधुबन के मतलब जो पारसनाथ की चढ़ाई कर रहे थे जहाँ से वहीं पे ठीक ना मधुबन तो वहीं पे जहाँ पे घुसते हैं फर्स्ट टाइम जो वीडियो दिखाए थे यहाँ पे पारसनाथ जो चढ़ाई है यहीं से स्टार्टिंग होता है वहाँ पे गाड़ी वगैरह साइड में ठीक ना तो सारा का सारा मतलब जितना भी मेरे पास आ सका मुझे जितना ज्ञान था मैं उतना सारा कोशिश किया अगर आपको पसंद लगता है वीडियो तो दूसरों को भी बताइएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा ठीक ना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा चलिए ये देखिए बस अंतिम है यहीं पे ठीक ना तो देखिए वहाँ पे बस वगैरह आप बाइक वगैरह रख सकते हैं देख रहे होंगे तो रखते हैं यहीं पे ठीक ना बाइक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ पारसनाथ आज फिर कर लिए ठीक ना फिर बाइक हाँ तो बता दिया कि 6 घंटा समय लगा पूरा का पूरा ठीक ना आने जाने में 10 बजे गए थे 4:30 बज रहा है उसमें से बैठे थे बहुत जगह तो आधा घंटा उसमें लेट बताते हैं तो 6:30 हुआ है हम लोग का ठीक तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्ति करते हैं यहीं पे संपूर्ण समाप्ति ठीक